में महाराष्ट्र है, नागपुर है, मुंबई है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, आसाम है, अपने देश के 15 राज्य से लोग अपना अधिकार छीनने के लिए क्या आए हैं हमको बताना है सरकार को। ये सरकार ये तुम्हारी बाप की जागीर नहीं, बाबा साहब के संविधान के आर्टिकल 12 के अनुसार इस जनता की तुम नौकर हो। नौकर को नौकर बताने के लिए, नौकर को नौकर बताने के लिए हम मालिक है, हम देश के मालिक है, और नौकर को हम बताएंगे कि बाबा साहब ने 1456 को जो हमें धम्म दिया, जो हमें धम्म दिया वो धम्म को कानून की मान्यता प्रदान करने के लिए बाबा साहब के संविधान में जो आर्टिकल 346 है, 346 में जो प्रावधान किया है इस देश के हाथ धर्म को कानून की मान्यता देना ये सरकार का काम है, सरकार की ड्यूटी है। और ये सरकार की ड्यूटी बताने के लिए दोस्तों आज का ये महाविराट मोर्चा है। मैं सबको आह्वान करूंगा, सबको मैं आह्वान करूंगा, शांति से बैठता है, शिस्ती से बैठता है, जहां जगह मिलेगी वहां बैठता है। अपेक्षा नहीं कर रहा मुझे कुर्सी मिलनी चाहिए, अपेक्षा नहीं कर रहा मुझे चटी नहीं ऐसे अपेक्षा मत करना। अरे बाबा साहब ने जो संविधान दिया, बाबा साहब ने जो धम्म दिया वो हमारी ताकत है, वो ताकत लेके आज हमें हमें सरकार से झगड़ना है। और साथ में दोस्तों, साथ में आज साथ में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के इंजीनियर खेमचंद कोहली, जो कोहली समाज, जो कोहली समाज उनका विश्वास है, आज वो बहुत समाज बहुत धर्मी है, कोहली समाज अपने आंदोलन में शामिल है दोस्तों, इसके लिए हमें टाली बजे उनका साथ कर रहा है। साथ में इस मोर्चा के साथ में जो दूसरी हमारी मांग है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उस संविधान में जो आर्टिकल 37 जो आर्टिकल है उसमें बाबा साहब ने बताया कि इस देश में आर्थिक समानता लाने के लिए सरकार को कानून बनाना सरकार की ड्यूटी है। सरकार को कानून बनाने के लिए बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि इस देश के हर आदमी को जीने का साधन मिलना चाहिए, हर आदमी को जीने का साधन मिलना चाहिए दोस्तों। इसका मतलब स्पष्ट है, जो भूमिहीन है, जो बेरोजगार है उसको काम मिलना चाहिए, और जो भूमिहीन है उसको जमीन मिलना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज हम बाबा साहब के संविधान के आर्टिकल 37 के अनुसार जमीन का हक छीनने के लिए दोस्तों हमें आए हैं। एक साइड में है हमारा जो धम्म है, हमारा जो जातिक धम्म है उसको कानून की मदद देना है, और दूसरी बात जो हमारा भूमिहीन है उसकी जात कौन सी है हमारा समझ नहीं है। जो भूमिहीन है, जो बेरोजगार है, जिसके हाथ में काम नहीं, जिसके घर में साथ बड़ा नहीं, अरे जिसको चुने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा वो संविधान की धारा 37 के अनुसार उसके भूमिहीन को जमीन का हक मिलना चाहिए दोस्तों। यहाँ हमारे लुक चुका है, जमीन के हक के लिए जो लोग आए हैं उनके हाथ में जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको अपने जो प्रमुख कार्यकर्ता उसके साथ जमा करना है, उसके साथ उसके पास आप जमा करो, बाद में जमा कर सकते हैं। अभी गड़बड़ मत करो, अभी हमारा मोर्चा शुरू हो जाएगा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर ने मैं बोलूंगा वी वांट सेपरेट, आपको बोलना है उद्दिष्ट, मैं बोलूंगा वी वांट सेपरेट, आपको क्या बोलना है उद्दिष्ट, मैं बोलूंगा वी वांट राइट टू लैंड, वी वांट राइट, आपने बोला लैंड, क्या बोला लैंड का मतलब क्या होगा जमीन, मैं बोलूंगा वी वांट सेपरेट, वी वांट सेपरेट, अरे वी वांट सेपरेट, अरे लेके रहेंगे, अरे लेके रहेंगे, और बाबा साहब का सपना लेके रहेंगे, हमारा हक, और बाबा का सपना, अरे जान भी देंगे, खून भी देंगे, बाबा का सपना पूरा कर दोस्तों। यह हमारी लड़ाई, हमारे संविधान की लड़ाई है, हमने संविधान का पूरा अभ्यास करके बाबा साहब ने जो हमारा अधिकार दिया वो अधिकार हमें हमारी भीख नहीं है, वो हमारा अधिकार, वो फंडामेंटल है, वो हमारा अधिकार गारंटेड है।
Thank you.